नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टर्टल वाइन, जिसकी कटिंग मैं आज आपको लगा के दिखाऊंगी। और मैंने यहाँ पे दो वैरायटी के टर्टल वाइन लिए हैं। पहला है ये पर्पल टर्टल वाइन, जिसकी लीव्स है ना पर्पल में होते हैं और स्टेम भी पर्पल में होते हैं। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। और दूसरी है ये ग्रीन टर्टल वाइन, बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट और इसकी जो लीव स्टेम्स होते हैं ग्रीन में होते हैं। आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा के किसी भी बालकनी में, विंडो में या फिर एंट्रेंस में हैंग करके डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए, इसके स्टेम में बहुत सारे नोड्स होते हैं और नोड्स से बहुत सारे छोटे छोटे पत्तियाँ निकलते हैं, जिससे ये बहुत खूबसूरत लगता है। और एक कॉमन प्लांट है जिसकी कटिंग्स आपको आसानी से कहीं से भी मिल जाएंगी। अगर आप इसे नर्सरी से लेना चाहते हैं तो इसकी बास्केट आपको पड़ेगी 200 से 300 रुपए में, लेकिन मैंने इसे नर्सरी से नहीं लिया। मैं कटिंग्स से इसे ग्रो करना चाहती थी। अभी मुझे इसकी बहुत सारी कटिंग्स मिले हैं, तो मैं आपको इसकी कटिंग्स लगा के दिखाऊँगी। सबसे पहले सब कटिंग्स को अच्छी तरह से छान लेंगे। जो फ्रेश कटिंग है, हेल्दी कटिंग है, उसे निकाल के अलग कर लेंगे। जब मैं अलग कर रही थी, स्टेम के नीचे की लीव्स निकाल रही थी, इस तरह से इसको एक साथ करके आप मिट्टी में डाल सकते हैं। और ये देखिए, मैं स्टेम के नीचे से 2 से 3 नोड की लीव्स निकाल रही हूँ और इसे मैं मिट्टी में इस तरह से प्लेस कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने पर्पल टर्टल वाइन की कटिंग्स को भी अलग कर लिया है। हेल्दी और फ्रेश कटिंग को मैंने निकाल लिया है, जो ड्राई लीव्स है उसे अलग कर दिया है। तो चलिए इसकी कटिंग लगाते हैं। और कटिंग लगाने के लिए मैंने सारी कुछ तैयारी यहाँ पे कर ली है। और यहाँ पे मैंने वेस्ट कंटेनर लिया है, जिसमें मैंने ड्रेनेज होल बना लिया है। और यह है मेरी कटिंग, देखिए। और मैंने सॉइल मिक्सचर भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। इसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% कोकोपीट मिलाया है। और इस कटिंग को मैंने पानी में डाल के रखा था। देखिए कितना फ्रेश लग रहा है ये अभी। तो चलिए इस सॉइल मिक्सचर में सभी कंटेनर में डाल लेते हैं और मैं आधा ही डालूंगी। और इस तरह से सॉइल मिक्सचर को हाफ ही फिल कर लीजिएगा। डालने के बाद अभी मैं इसमें कटिंग लगाऊंगी। और टर्टल वाइन की कटिंग थोड़ी सी मिट्टी में लग जाती है और इसकी थोड़ी छोटी सी कटिंग भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। और ये जो टर्टल वाइन है ना, किसी भी मिट्टी में लग जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सॉइल मिक्सचर में ही लगाना है। अगर आपके पास सॉइल मिक्सचर नहीं है तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ओवर वाटरिंग ना करें। और जब भी पानी दे, सॉइल को चेक करके ही पानी दे। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके स्टेम बहुत डेलिकेट होते हैं और जल्दी से गल जाते हैं। तो जब भी पानी डाले, मिट्टी को अच्छी तरह से चेक करके ही पानी दे दे। अगर आप इसके अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसकी मिस्टिंग करते रहिए, मतलब पानी से स्प्रे करना है। और वीकली आप इसमें पानी से स्प्रे करते रहिए। इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और लीव्स भी बहुत फ्रेश रहेगा, हरा भरा दिखेगा। और इस तरह से मैंने दो पॉट में ग्रीन टर्टल वाइन लगा लिया है। अभी मैं पर्पल टर्टल वाइन लगा लूँगी। और पर्पल टर्टल वाइन के कटिंग्स मेरे पास थोड़े से हैं, कोई बात नहीं, थोड़े से कटिंग में ही ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। कंटेनर में मैं इसे लगाऊंगी और इस तरह से मैं बंच बना के लगा रही हूँ। इससे बहुत जल्दी कटिंग्स लग जाती है, बहुत जल्दी इसके रूट निकल आते हैं। और थोड़े से मिट्टी में ही डाल रही हूँ
बहुत सारे मिट्टी में आप डाल दोगे तो स्टेम गल जाएगा, तो थोड़े से मिट्टी में पहले इसको डाल ले, अच्छी तरह से इसको ग्रो करें। बाद में आप इसे एक बड़े से पॉट में या फिर हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये और ये प्लांट जो है ना, हैंगिंग बास्केट के लिए एक बहुत अच्छे प्लांट है। इसे आप अगर हैंगिंग पॉट में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है और इसकी जो स्टेम है ना ग्रो होके इस तरह से लटकने लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसे आप एंट्रेंस में, विंडो में और किसी भी वॉल को कवर करने के लिए बास्केट में लगा सकते हैं। और मैंने सभी कटिंग्स को लगा ली है, अभी मैं इनमें पानी दूंगी। और आप जब भी कटिंग्स को लगाए बहुत अच्छी तरह से इनको पानी दे, उसके बाद मिट्टी को चेक करके ही इनको पानी देना है। पानी देने के बाद इनको 2 दिन के लिए आप शेड में रखें, उसके बाद ही इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दे। इनको ज़्यादा ब्राइट लाइट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके लीव्स बहुत डेलिकेट होते हैं, तो इनको इनडायरेक्ट सनलाइट पे ही रख के इस तरह से बालकनी में आप रख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Till then, take care.